पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। राम की नगरी अयोध्या को कौन नहीं जानता। इसी साल 22 जनवरी को पूरे धूमधाम के साथ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी के तरफ से इस नारे को जनता के बीच बुलंद कराया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन फैजाबाद में राम की कृपा तो किसी और पर बरस गई। बीजेपी के हाथों से फैजाबाद की सीट फिसल गई। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। फैजाबाद की सीट सपा के खाते में जाने के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राम जी ने तो अखिलेश यादव की जुबान से पहले ही बुलवा दिया था कि सपा पर राम की कृपा बरसने वाली है और बीजेपी यहां से खिसकने वाली है। अखिलेश यादव का एक वीडियो फैजाबाद की जीत के बाद जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव का ये वीडियो नतीजों से पहले उस वक्त का है जब अखिलेश यादव फैजाबाद के सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का प्रचार करने आए थे। इस दौरान एक बेहद ही दिलचस्प वाक्या पेश आया। फैजाबाद की चुनावी सभा के दौरान अखिलेश यादव से एक भूल हो गई। मंच से सपा उम्मीदवार का परिचय दे रहे थे, इसी दौरान वर्तमान विधायक को पूर्व विधायक बोल बैठे। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ। अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बोला तो अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव को टोका, बताया मैं पूर्व नहीं वर्तमान विधायक हूँ। लेकिन अखिलेश ने क्या गजब की हाजिर जवाबी दिखाई, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कि सपा उम्मीदवार का जोश भी हाई हो गया था। पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। अब अखिलेश यादव का ये वादा और दावा सच साबित हो चुका है, जिन्हें अखिलेश यादव ने विधायक रहते सांसद बन जाने का मंच से भरोसा दिया था, वो सच में अब सांसद बन गए, वो भी वहाँ से जहाँ से बीजेपी के रहते सपा वाले अवधेश प्रसाद ने भी जीत की कल्पना नहीं की होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि राम को लाने का जिनका दावा है, राम की कृपा इस बार उन पर नहीं अयोध्या में सपा पर बरसी है।